नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारत और चीन के बीच टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं। 20 जवानों के शहीद होने की खबर है और देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव अब चाइनीज प्रोडक्ट के विरोध के लिए सड़क पर उतरने वाले हैं। ऐसी खबर आ रही है कि पप्पू यादव आज पटना के कई दुकानों में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे और दुकानदारों से चाइनीज प्रोडक्ट न बेचने की अपील करेंगे और अगर अपील न सुनी गई तो दुकानों में ताला जड़ने का आंदोलन भी शुरू होगा। यही नहीं, पप्पू यादव आज सड़कों से चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज मोबाइल के होर्डिंग भी हटवाने वाले हैं। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है और पप्पू यादव लगातार इस तरह के आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे आंदोलनों के लिए वो जाने जाते हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते रहे हैं और एक बार फिर ये खबर आ रही है। और सिर्फ पप्पू यादव नहीं, पूरे देश में चाइना को लेकर गुस्सा है, चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर गुस्सा है और बहुत पहले से चीन के सामानों की बिक्री बंद करने की मांग हो रही थी, उनको बैन करने की मांग हो रही थी देश में और लगातार मांग चलती रही है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 जवान शहीद हो गए हैं। पिछले 5 दशक से भी ज़्यादा समय से बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर पहले से जारी गतिरोध और भड़क गया है। सेना ने शुरू में मंगलवार को कहा कि एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए, लेकिन देर शाम बयान में कहा गया कि 17 अन्य सैनिक जो अत्यधिक ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में गतिरोध के कारण ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। तो भारत के 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है और चाइना के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ रहा है, उसके प्रोडक्ट के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ रहा है। पटना में पप्पू यादव सड़क पर उतरने वाले हैं चीनी प्रोडक्ट के विरोध में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।